तो यहाँ पर हमें पता चला है कि नाश्ते का जो फूड पॉइंट जो काफी ज्यादा फेमस है वो कहा जाता है कि मुल्ला हबीबुल्ला की यहाँ पर पूरी हलवा पूरी जो है वो बहुत ज्यादा पसंद की जाती है और कहा जाता है काफी सालों से यहाँ पर तैयार की जा रही है, देसी घी में वो पूरी तैयार की जाती है और बहुत मुनफरिद है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम जाएं और टेस्ट करें। इस वक्त हम शरीफपुर अंदरून में मौजूद हैं और यहाँ पर चमन स्वीट्स है जहाँ पर ये हलवा पूरी तैयार की जाती है। तो आइए जानते हैं किस तरह से तैयार की जाती है और क्या खास बात है, आइए। तो यहाँ पर जो है वो खूब गहमा गहमी है नाश्ता जो है वो तैयार किया जा रहा है, हम इनके किचन में आ चुके हैं। तो हमने सोचा कि पहले इस फूड पॉइंट की थोड़ी सी हिस्ट्री जो है वो जानते हैं कि कब से ये शुरू हुआ। तो हमें मालूम ये हुआ है कि तकरीबन 30 से 35 साल जो हैं वो हो चुके हैं और यहाँ पर लजीज किस्म का नाश्ता जो है वो तैयार किया जाता है। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के वर्कर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनसे हम जानते हैं कि किस तरह से चीज़ें तैयार की जाती हैं, क्या स्पेशल है और क्या चीज़ लोगों को यहाँ पर सबसे ज़्यादा पसंद आती है। वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा, ये चिकन टिक्की, मीठा पूड़ा और पूड़ी। मटन टिक्की हम तैयार करते हैं ऑर्डर पे, अगर किसी को चाहिए तो वो ऑर्डर एक दिन पहले बता दें तो हम उनको बना देते हैं। सही सही। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें ये देसी घी में तैयार की जाती हैं? हाँ जी, क्रीम का घी होता है उसका, उसमें सब कुछ तैयार होता है टोटली। और क्या ऐसी चीज़ें जो लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आती है? चिकन टिक्की, पूड़ी ज़्यादा फेवरेट है यहाँ पे सबकी। और मीठे में क्या लें, इधर पूड़ा चलता है क्योंकि हलवा हमारा लहदा होता है। सही है। और मीठे में इधर पूड़ा चलता है। सही। जो आपकी पूरी है उसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं, क्या ऐसा है कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है यहाँ की? नॉर्मल चीज़ें होती हैं, मैदा, आटा और नमक और थोड़ा सा घी डालते हैं हम। जब मैदे को बनाते हैं ना, पूड़ी बनाने से पहले क्या लें, टो बनाते हैं जब पिज्जे की या क्या लें या पूड़ी की बनाते हैं तो उसमें नॉर्मल सी चीज़ें डालते हैं। सही है। मैदा हो गया, मैदा तो ज़्यादा डलता है, थोड़ा सा आटा हो गया, नमक और घी, ये तीन चीज़ें। तो क्या कीमत क्या है? 30 रुपये की पूड़ी है और टिक्की है 120। 120 रुपए का पूरा, 30 रुपए का पूरा हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो टिक्की जो तैयार की जाती है इसमें क्या क्या डलता है? इसमें होता है नॉर्मली प्याज, चिकन बोनलेस तैयार करवाते हैं हम, हरी मिर्च होगी, अदरक होगी और नॉर्मल मसाले, ज़्यादा किसी को लाइट पसंद है किसी को तेज़ है, इसलिए हम नॉर्मल रखते हैं तो बच्चे भी छोटे से 5 साल के 6 साल के बच्चे भी खा लें। जी, तो इन्होंने हमें नाश्ते के बारे में बताया और काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ें जो हैं वो तैयार की जाती हैं और सुनने में तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो हम खाते भी हैं, खा के आपको बताते हैं। इस वक्त हम अंदरून शरीफपुर में मौजूद हैं और बहुत सी और चीज़ें भी यहाँ पर हैं, लेकिन हमने सोचा कि डिस्कवर जो है वो नाश्ते से ही करते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि और यहाँ पे क्या क्या है। तो आइए बाहर चलते हैं, टेस्ट करते हैं, लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इनके नाश्ते में क्या खास बात है। जी, मुझे बताएं कि कितने अरसे से आप यहाँ का नाश्ता कर रहे हैं और क्या चीज़ यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, क्या खासियत है कि आप यहाँ पर नाश्ते के लिए आते हैं? हम यहाँ पे बचपन से नाश्ता कर रहे हैं, हमारे बड़े हैं, मेरे वालिद साहब हैं, ये बचपन से यहीं पे रहते थे, तो हम अब तो लाहौर शिफ्ट हो गए हैं, अभी लाहौर से ही आए हैं, लेकिन हम बचपन से यहाँ का नाश्ता कर रहे हैं। यहाँ का पूड़ी टिक्की मतलब कि यहीं की पैदावार है बेसिकली, लाहौर में तो बाद में आई है, तो हम तो पुरानी जब भी आते हैं यहाँ से खा के जाते हैं हमेशा। हम तो यहीं पैदा हुए हैं, यहीं से ही शिफ्ट हो के माइग्रेट हो के लाहौर शिफ्ट हुए थे, तो अभी जब भी कभी हम दरबार शरीफ पे हाज़िर हुए थे, मियाँ शेर मोहम्मद साहब का दरबार है, खासियत ये है इन सब चीज़ों में उनकी बरकत शामिल है। ये जो गुलाब जामुन हो जाए हाजी हकम के और ये हो जाए, ये ख़ास चीज़ें हैं शरीफपुर शरीफ की, ये हम कहीं भी चले जाएँ इसको भूल नहीं सकते, ना ही भूलते हैं ना ही इनका जायका कहीं और मिल सकता है, क्योंकि लाहौर भी ये पूड़ी पूड़ा मिल जाता है सारा कुछ, लेकिन इनका स्टाइल बनाने का और इनका जो अपना है ना एक रेसिपी है वो और कहीं नहीं है। ये वो लाहौर की पूड़ी खाएं तो उनको खींचे तो वो टूटती है, ये आप उंगली लगाएंगे सारी ऐसे बोरा बोरा हो जाएगी इनकी, ये एक तो ये डिफरेंट है, दूसरा इनका टेस्ट है जो अपना एक मखसूस है। सर, ये देसी घी से इस यहाँ पे जो नाश्ता तैयार होता है इसकी मिसाल पाकिस्तान में कहीं भी नहीं मिलती, तो लाइट वेट होता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, तो खालिस चीज़ होती है, सबसे अच्छी बात तो यह है ये खालिस चीज़ है। तो हम मंडी फैज़ाबाद के साथ गोइसन के रहने वाले हैं, तो
अक्सर दूसरे तीसरे दिन बाद हमारा चक्कर लगता है तो हम यहाँ से नाश्ता करते हैं। बारी आ चुकी है टेस्टिंग की और हमारा टेबल जो है वो भी रेडी हो चुका है। हमारे पास पूरी मौजूद है, मीठा पूरा है और ये इनकी जो है टिक्की जो है चिकन टिक्की ये भी है। तो मेरे ख्याल से हम शुरुआत पूरी से ही करते हैं और आप देखें ओहो क्या फूली हुई है और बहुत ही क्रिस्पी और गर्मा गर्म जो है ना वो हमारा नाश्ता जो है यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, इन्होंने चने जो है ना वो साथ जो आम तौर पर जो होते हैं ना आलू वाले जैसे वो भुजिया कहा जाता है वो उस तरह से नहीं है, ये जो चने आम जो होते हैं वो लग रहे हैं। लेट्स ट्राई कि कैसा जो है यहाँ का नाश्ता है। और हलवा जो है वो भी बहुत मज़ेदार लग रहा है और ये हमने थोड़े से चने और हलवा लगाया। यार बहुत ही अलग टेस्ट और एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की हमारी बाइट थी ये। ओहो हो यार मज़े गए यार। मैं सिरकपुर के लोग जो हैं वो भी खाने का काफ़ी शौक़ रखते हैं, मुझे पता लगा कि यहाँ पे भी फिर टेस्ट मौजूद है। वैसे ये है कि पाकिस्तान में आप जहाँ पे भी चले जाएं आपको वैरायटी मिलेगी खाने की और मज़ेदार किस्म का खाना जो है ना आपका मुंतज़िर होगा वहाँ पर। ओहो हो ये चने गिरी जा रहे हैं, क्या बात मज़ेदार है यार। हैवी यार, बहुत मज़ेदार पूरी, बहुत मज़ेदार किस्म का हलवा है। अच्छा, इन्होंने दही भी साथ दी है तो मैं इसके साथ ना दही भी लगा के ट्राई करता हूँ। लेट्स सी, मैंने वैसे अभी तक ट्राई कभी नहीं की दही हलवा पूरी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ अलग करने लगे हैं। मज़ेदार, लेकिन चने और हलवा जो है ना वो कमाल है यार, बहुत ही मुनफरिद और डिफरेंट टेस्ट है। हलवा यहाँ पर जो है वो आपको 300 रुपये किलो मिल जाता है और ये पूरी 300 रुपये की दी जाती है, देसी घी में तैयार हुई है जो कि लाजवाब है यार। क्या ही बात है, बहुत मज़ेदार, आउटस्टैंडिंग। अच्छा, यहाँ पर जो है इनके पास ये हमारी चिकन टिक्की भी मौजूद है, ये भी हम ट्राई करते हैं थोड़ा सा ना आपको भी दिखाते हैं साथ में। ये आप पहले तो इसको देखें क्या ज़बरदस्त है ना, क्रिस्पी जो है वो हमें फुल लग रही है और अंदर सारा चिकन और सारी चीज़ें प्याज सब्ज़ मिर्चें वगैरह सब कुछ डली है। इसको भी हम टेस्ट कर लेते हैं। ओहो हो, मसाले वगैरह ऑन पॉइंट है, कमाल यार। 120 रुपए में आपको ये मिल जाएगी यहाँ पर और ओहो बहुत मज़ेदार है यार, बहुत क्रिस्पी फुल गर्म है। मज़ेदार। अच्छा यार, अगर हम इस पूरे मील की बात करें यानी कि अगर आप यहाँ पर आते हैं ऑर्डर करते हैं, आप एक पूरी मंगवाते हैं, एक मीठा पूरा और साथ में ये चिकन टिक्की मंगवाते हैं, तो ये आपको चिकन टिक्की जो है वो 120 रुपये में मिलेगी। पूरी यहाँ पे 30 रुपये की है और मीठा पूरा जो है वो आपको यहाँ पर 30 रुपये का मिल जाता है। उसके अलावा हलवा जो है वो आपको अलग से ऑर्डर करना पड़ता है और किलो जो है वो 300 रुपये में है। अगर हम एक बंदे के हिसाब से ये सारी चीज़ें एक मील अगर मैं आपके लिए बनाऊँ तो आप तकरीबन एक डॉलर में, मेरे ख्याल से एक डॉलर में आके ना आप इजीली इसको खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर आएँ, इसको इंजॉय करें, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है, मैं तो इंजॉय कर रहा हूँ।